खाला एक मिनट, एक मिनट सुनो खाला, ये अपने मालिया मामा है, आप लोग सब लोग दुआ दिए, आपको मिलना है, बोलिए। नगर पालिका में बुलाया गया है, आप भी जाओ, कला से रहेंगे, शोर भाई भी आएंगे, आप डायरेक्ट जाओ, सामने सामने बात होगी, जो बात करने मैंने कभी से सबसे बात की है, आप वहाँ पर जाओ, जो भी है वो मिल जाएगी, और बाद में भी जो रहेगा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के रोशनबाग इलाके में, जहां पर आप हमने लगातार तीन दिनों से खबर चला रहे थे, जहां पर नौ परिवार जो है बेघर हो चुका था, सड़क पर आ चुका था। फिलहाल यहां पर अभी भिवंडी के खासदार सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा यहां पर आए थे, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा और इस पूरे मामले में क्या आश्वासन दिया जो यहाँ नौ परिवार था उनको, आइए सुनते हैं। क्या आपके 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है? क्या आप अभी नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो? फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल में जॉब भी दिलाई जा रही है, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज जैसे ANM, GNM, BSc Nursing, BSc MLT, BSc Radiology, BSc Operation Theatre, Physiotherapy, इसी तरह से डॉक्टरेट कोर्सेज जैसे MBBS, BDS, BUMS, BHMS, BAMS के लिए भी एडमिशन कंसल्ट किए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें। देखो यहाँ पे जो भी महानगर पालिका की ओर से एक्शन लिया गया है, एक्शन लेने का ये टाइम नहीं है, अभी बारिश का टाइम है। सभी को समझना चाहिए कि ऐसे टाइम में जो भी फैमिली है, आप उन सभी ने उनका अभी कंडीशन देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनकी हालत ऐसी है कि हो सकता है वो बीमार भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे टाइम पे एक्शन होना ये कुछ ज़रूरी नहीं है, आप पर रुक भी सकते थे। तो इसके लिए मैंने अभी भी कमिश्नर से फ़ोन पर बात किया, वो ऑलरेडी उनके गाँव गए हैं, तो वो बोले कि मंडे को मैं सवेरे आऊँगा, मंडे सवेरे अधिवेशन होने के कारण मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और उनसे मेरा फ़ोन पे बात हुआ है। जो भी यहाँ पे रहते थे सभी घर वालों को, और जो तलासेट है हमारे, इमरान भाई है, शोएब भाई है, मतलब भाई है, जो भी है यहाँ के कॉरपोरेटर वगैरह है, वो सब लोग इनको लेके महानगर पालिका में जाएंगे, खुद कमिश्नर साहब भी रहेंगे, और सामने सामने जो भी रहेगा वो इसमें से एक अच्छा सा रास्ता निकालेंगे। इतना कमिटमेंट मेरे को कमिश्नर साहब ने बोला है, और मैं खुद भी फ़ोन पे कंटिन्यू उनके कांटेक्ट में रहूँगा। हाँ मामा, देखा जा रहा है कि महानगर पालिका जो इस तरह से करके जो जाती करी और ऐसे बहुत जगह पे हुआ, तो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए? नहीं देखो, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, पर यह डेवलपमेंट का टाइम नहीं है। और दूसरी बात, मैंने खुद कमिश्नर को एक 15 दिन पहले बोला था कि आप एक्शन लेते हो तो पहले लोगों के लिए कुछ पर्यायी ऑप्शन निकालो, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, या जो भी रहेगा ये ऑप्शन निकाल के करो। अभी क्या है, अभी फ़ोन पे बात ज़्यादा हो नहीं पाया जी। तो जैसे ही ये अभी मंडे को तो इनका बात हो जाएगा, जैसे अधिवेशन ख़त्म हो जाएगा, मैं तुरंत कमिश्नर से मीटिंग लगाने वाला हूँ, सभी एक्स कॉरपोरेटर रहेगा या जो मेन मेन लोग रहेंगे सभी को लोग ले कर, क्योंकि अभी डीपी प्लान भी जो आ रहा है, आप देख रहे हैं डीपी प्लान में बहुत से घर टूट रहे हैं। मैंने उनको ये भी बोला है कि जैसे बॉम्बे में 2000 की झोपड़ी भी लीगल हो रही है, अभी कल मैंने जानकारी निकाला 2011 की भी जो झोपड़ी थी उनका भी एक कुछ अमाउंट भर के, मेरे हिसाब से कुछ 2.5 लाख या कुछ ऐसा अमाउंट भर के उनको मीटर पानी या जो भी है लाइट का सब कनेक्शन महापालिका प्रोवाइड कर रही है। तो वो हिसाब से उसी धरती पे अपन कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि देखो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, पर डेवलपमेंट अगर अपने घर पे बुलडोजर चलाते हैं, अपने पेट पे बुलडोजर चलाते हैं, तो ऐसी डेवलपमेंट हमको नहीं चाहिए। डेवलपमेंट भी जरूरी है,
उसका ऑप्शन भी पर्याय भी होना जरूरी है। कादर साहब आप यहाँ पर आए, देखा जाए तो नगर पालिका में दो दिनों के बाद आप इस बात को लेकर निर्णय लिया जाएगा, वहाँ पर बैठक की जाएगी। अभी पर्याय मार्ग क्या निकाला गया, क्योंकि देखा जाए तो बरसात सड़क जो है एक्चुअली क्या है, देखो अभी उन लोग से हमने रिक्वेस्ट किया कि पर्याय जैसा रहने के लिए दूसरा, हमारे मतलब भाई ने बोला कि रहने के लिए दूसरी जगह पर, वो लोग का कहना ऐसा है कि अगर हम लोग यहाँ से हट जाएंगे और मलबा उठाया जाएगा तो फिर दोबारा दिक्कत आएगी। तो मैं उनको बोला ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी, कुछ तो अपना रास्ता निकलेगा, पर अभी देखते हैं। अभी ये सब लोग बात कर रहे हैं उनसे समझाने का, क्योंकि आप भी खुद देख रहे हो कि ऐसी स्थिति में यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर भी अभी हमारे कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर लोग और वो लोग डिसाइड करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालें।